गाइज आज के ब्लॉग में खुश आमदेद। गाइज आपको पता है हम दोनों मसरूफ काफ़ी रहते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, तो मैं क्या चलो अपने भाइयों के साथ आज शेयर करें, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन जो है ना कई पंप्स में तो मिल ही नहीं रहा। तो हमारे यहाँ पर करीबी पंप है PSO, उधर से मिल रहा है, लेकिन जो है ना लाइनों में लगना पड़ता, बहुत मुश्किल काम है। तो हमने कल भाई और मैंने फिर वो 500 का तेल लगवाया था, डलवा लिया है, तो अब हम दूसरी मोटरसाइकिल में थोड़ा सा ट्रांसफ़र करेंगे तेल, तो आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे मैंने कॉल लिया पर अभी भी फंसा है, चलो वो तो कोई मसला निकल जाएगा। भाई देखे कह रहे बोतल के अंदर ना टिशू, मैंने साफ करने के लिए साफ सफाई के लिए, बोतल गिली हो गई थी इसके अंदर टिशू डाला है, तो वो अब वो टिशू बाहर नहीं निकल रहा। ये देखिए टिशू फंस गया, अब वो निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है, बार बार वो फट रहा है, निकल जाएगा उम्मीद। चल भाई निकल जा, चलो हिस्से में भी कट रहे हैं जरूरी है। तो कपड़ा वगैरह डाल रहे थे, टिशू डालने की क्या जरूरत थी, जी पता टिशू खराब हो जाने के अलावा वगैरह डाल लिया। तो अब हमने दूसरी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डाल दिया, अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री, तो अब शाम को ही मुलाकात होगी, तकरीबन 7-8 बजे हम घर आते हैं वापस। टाइम नहीं सारा दिन मिलता, तो मैंने कहा चलो इस टाइम भी ब्लॉग शूट कर लेते हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा है, आज बारिश हुई है सुबह, कल भी हुई थी सुबह सुबह, तो अभी जा रहे हैं फैक्ट्री, तो आके मुलाकात होती है आपसे। अभी मैं छत पे जा रहा हूँ, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर सका, एक तो हम फैक्ट्री वगैरह जाते हैं ना उसकी वजह से। तो माशाल्लाह से ये देखिए, कुछ दिन पहले ये मेरी दादी मी ने का पता नहीं, मेरे भाई ने वेल का पौधा लाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब उग चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं कितना प्यारा वेल का पौधा है, इतने खूबसूरत पत्ते आ गए हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है। पहले एक भी इस पर पता नहीं था बिल्कुल भी, तो आप देख सकते हैं आप कितने पत्ते आ गए। और ये माशाल्लाह देख लें, नींबू का पौधा है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है, पर अभी तक एक भी नींबू नहीं इस पर लगा, अल्लाह ताला की कुदरत है। तो ये चक्कर है, ये अलवेरा है, जेल होती है ना जो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रीम श्रीम होती है, और ये तरह तरह ये पता नहीं कौन सा है, इसके आगे कांटा सा लगा, ये बहुत चुपता है। ये देखिए आप देख सकते हैं, शायद हल्का फुल्का आपको नज़र भी आ रहा हो, ये आप देख सकते हैं अभी धूप थी और अब बादल आ चुके हैं, पीछे हल्के फुल्के काले बादल हैं, शायद आपको ना भी नज़र आ रहे हो, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, वहाँ से आ रहे हैं काले बादल। तो यहाँ पे मौसम तकरीबन ऑलमोस्ट साफ था, तो हल्के फुल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। तो आज कल मैंने मैप में देखा था, तो वो दिखा रहा था कि बारिश होगी जुमे वाले दिन, तो मैंने कहा अल्लाह ताला के काम है क्या कर सकते हैं, तो दिखाता हूँ आपको बादल, देख सकते हैं शायद आपको नज़र भी आ रहा हो, बादल आ रहे हैं, तकरीबन आ भी चुके हैं और आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरफ बादल है, और यहाँ देख सकते हैं आप तकरीबन आ रहे हैं, हल्के फुल्के आ चुके हैं, तो यही सीन है इसका। मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ, पंखा चलाते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं। आपके भाई ने शाओमी का एक ब्रांड है जिसकी हैंड फ्री मैंने ऑर्डर दी हुई है, तो उम्मीद आ जाएगी आजकल में, तो मैंने रात को यहाँ पर पैसे रखे थे, ये 2000 रुपये मेरे भाई का है और 2000 मेरे अपना है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ इसका थंबनेल लगा दूँ, ये देखिए जी, ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, 2000 रुपया और 2000 मेरे भाई की है, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे हाथ में पकड़ के ना थंबनेल बना लूँ ऐसे। तो ये
मेहनत की है पूरा हफ्ता अपने पापा के पास ही हम काम करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते इंशाल्लाह पे भी ज़्यादा कर लेंगे। वैसे तो पैसे थोड़े हैं, मैंने अबू को कहा था और वो कहते हैं कि जब आप थोड़ा सा काम करना शुरू हो जाओगे, स्टैंड हो जाओगे, तो आपकी पे भी ज़्यादा कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा चलो अल्लाह बेहतर करे। अब इसको हम रखते हैं पर्स में। आज मौसम बहुत प्यारा हो गया, अब पर्स के अंदर रखते हैं। बस ये ऑर्डर का इंतज़ार है, हमने ऑर्डर कर दिया, तो अब हम ऑर्डर जब लेंगे फिर वो भी मैं इंशाल्लाह उसका भी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। अभी मैं छत पर आया था कि मैंने सुना है ये, अपने अबू से भी यही सुना है और घर वालों से भी यही सुना है कि लॉकडाउन होने लगा है 16 तारीख को। तो आज 12 है, टाइम हो गया 11:00 तकरीबन 25 मिनट। अब मास्क वगैरह हम पहनते हैं रोज़मर्रा, पर कभी नहीं भी पहनते, हमारी लापरवाही, हमें पहनना चाहिए मास्क। तो ये मास्क है जो हम रोज़ फैक्ट्री वगैरह जाता हूँ अपना, यानी काम है हमारा, उधर जाता हूँ तो रोज़ पहन के जाता हूँ। तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबको कोरोना वायरस से निजात फरमाए। और ये हमारी गवर्नमेंट को हदायत अता फरमाए कि भाई जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं भी हैं तो उनके उनको जानबूझ के टीके लगा के या जैसे भी ये करके कोरोना वायरस में छोड़ देते हैं। पिछले दिनों में आजकल मैंने बात सुनी है, मेरे पापा का दोस्त है भट्ट, उस काशी भट्ट है उसका नाम, तो वो कहता है कि मेरे पता नहीं रिश्तेदारों के कोई दोस्त था, हवा चलनी शुरू हो गई, रिश्तेदारों का दोस्त था, तो वो ना उनकी कोई अम्मी को वो लेके गया, कोई दवाई वगैरह लेनी थी लाहौर में, कोई अस्पताल तो बड़ा गवर्नमेंट का, उधर लेके गया। वो कहता है वहाँ पर दवाई लेनी थी, एक तो मोबाइल भी हिल जाता ना, कहता मैं नीचे गया हूँ तो अम्मी को उन्होंने पीछे से हुआ क्या मार दिया। तो वो कहता है आपकी अम्मी तो 3 घंटे से मर चुकी हैं, उन्होंने कोई ना कोई टीका वगैरह लगा कर ना उनको मार दिया होगा, ऐसे ही कुछ होता है। तो काइंडली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर ना जाएँ, क्यों अल्लाह माफ़ी अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो फिर बहुत मसला हो जाएगा, ना आपको वहाँ पे कोई बचाने वाला होगा। तो क्योंकि बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को मुझे जो लगता है उनको कोई पैसे वगैरह कोई रेवेन्यू मिलता है बाहर के मुल्क से या बाहर की कंट्रीज से ना, वो यही समझते हैं कि हमारा मुल्क गरीब है, तो वाकई यही बात है, गरीब तो है, पर ये नहीं है कि हम लोगों के अब कह सकते हैं कि लोगों के पैसों पे अब पलने वाले तो नहीं ना, अपनी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हलाल कमा के हम खाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जितने भी मुसलमान हैं सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। ये जो भी बीमारी आई हुई है कोरोना वायरस, हमें इससे अल्लाह ताला अपने दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें माफ़ कर, हवा बहुत तेज़ चलनी शुरू हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट भी चली गई है देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी चलनी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं कमरे में बैठा था, आपसे बात कर रहा था, साथ ही हवा चलनी शुरू हो गई तो मैं बाहर आ गया हूँ। इस वक्त मैं अपने छत पर बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं बादल इतने प्यारे आ चुके हैं, पीछे देखें काले बादल हैं तो इतने खूबसूरत एक तो बादल लगते हैं, हवा भी इतनी प्यारी चल रही, पहले गर्मी थी तो अब एकदम सुकून हो गया। तो अभी मिट्टी उड़ रही थी सारी, मिट्टी उड़ते उड़ते मेरे बाजुओं पर लग गई थी, अभी मैं धो के आया हूँ और मेरे सर में भी गई, कपड़े सारे मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैं एकदम भागा हूँ। और तो देख सकते हैं सामने वो पौधे लगे हैं, हवा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो सामने हिल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आप ये पौधा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है, वो देख सकते हैं आप, चीज़ है
आप साइड पे भी आप अपनी तरफ देख सकते हैं, तो ये है चीज़ ही होती है। ये देखें आप पीछे देख सकते हैं, इतना प्यारा व्यू हो तो मज़ा तो आ जाता है। फिरने का मेरा इतना दिल कर रहा है कहीं ना कहीं जाऊँ इस्लामाबाद, हमारी नारायण का गान, ये ऐसी जगह है बहुत ज़्यादा फिरने की। तो इंशाल्लाह इसका भी कोई टूर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मैं लेकर चलूँगा वहाँ पर। तो इंशाल्लाह अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा दो दिन ब्लॉग बना लूँ, क्यों मुझे टाइम नहीं मिलता। तो एक तो हवा बहुत तेज़ चलनी शुरू हो जाती है तो भी बड़ा मसला हो जाता है। एक तो छत पर रेत मिट्टी फैली हुई है तो फिर उसकी वजह से बड़ा मसला होता है। अब तक ये दरवाजे में, ओह माय गॉड, फिर से मिट्टी उड़ रही है यार। मैं एक तो मिट्टी से तंग आ गया हूँ, दरवाज़ा अब मैं इसका क्या करूँ, फंस नहीं रहा इसको मैं सेट कर रहा हूँ, ऊपर से मिट्टी वगैरह उड़ रही है। एक हाथ से मैंने क्या मोबाइल पकड़ा हुआ, तो वो भी मैंने सेट कर दिया। आप देख सकते हैं ये बोतल मैंने टेढ़ी मेढ़ी करके इसको लगा दी है ताकि दरवाज़ा बजे ना। तो अभी मिट्टी बहुत ज़्यादा छत पे फैल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको हल्की फुल्की नज़र भी आ रही हो। ये ज़रा ज़रा से ऊपर है, ये मिट्टी है सारी ऊपर, तो ये मिट्टी की वजह से सारे छत पे फैल गई है, छत बन गया। बहुत तेज़ चल रही है बाहर, उनको वहाँ से बचने के लिए अंदर तो मैं आ गया हूँ, पर मेरी शर्ट में मिट्टी रेत वगैरह चली गई थी, बड़ा मसला हो रहा है। तो इसकी वजह से मैं अंदर आ गया, मैंने कहा बाहर खड़े होना सेफ नहीं है, तो कपड़े सारे मेरे ख़राब हो जाएंगे। आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इधर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।